इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त की खबर में आपको बता दूं कि शहर में अष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते अष्टमी का पर्व इस बार बड़ा ही फीका नजर आया। वहीं उज्जैन में महाअष्टमी पर्व पर प्रशासन की ओर से नगर में देवी के भैरव मंदिर पर पूजा अर्चना की गई। शहर के देवी व भैरव मंदिरों पर चढ़ाई गई मदिरा की धार व बाकले परंपरा अनुसार महाअष्टमी पर्व मनाया जाता है, पर प्रशासन की ओर से नगर के देवी के भैरव मंदिरों पर मदिरा की धार चढ़ाकर पूजा अर्चना भी की जाती है। इसी श्रृंखला में मंगलवार को महाअष्टमी पर्व पर कलेक्टर आशीष सिंह चौबीस खंबा माता मंदिर पर महापूजा प्रारंभ की, जिसमें तहसीलदार कोटवार सहित नगर के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और नगर के 64 योगिनी हरसिद्धि गढ़गालिका सहित अन्य देवी मंदिरों पर व भैरव मंदिरों पर मदिरा की धार चढ़ाकर नगर की सुरक्षा की प्रार्थना की। यह क्या है कि शुरू से अनंत काल से विक्रमादित्य समय तक नगर पूजा होती आई है, और समय समय पर जब परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं तो नगर पूजा यहीं से होती है और माता से विनती की जाती है कष्ट को समाप्त कर, और जो महाभोग लगता है माँ का अनादि काल से, मतलब एक शताब्दी वर्ष तो उपाध्याय परिवार को हो गया है जो मधुवंश से बनता है सरकार को, तो उसके अंदर चावल दही शहद और शक्कर इन का महाभोग माता को लगता है। ये परंपरा शुरू से चल रही है। मदिरा भी चढ़ाई जाती है। मदिरा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए माँ तो अपना एक वो भोग है उनका माँ का, वो भोग को चढ़ाई जाती है। कितने किलोमीटर चलेगी अभी? ये चलेगी 118 किलोमीटर। उज्जैन से अर्पित बढ़ाने की ये रिपोर्ट।